बी और सी प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, फुलाद और पोटाशियम पाया जाता है। एक दरमियाने साइज के इस फल में सिर्फ 31 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं। इसमें फैट्स ना होने के बराबर हैं और इसी वजह से ये फल वजन कम करने के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए बहुत ही मुफीद है। जापान में होने वाली एक तहकीक के मुताबिक परसीमन यानी जापानी फल बड़ी आंत में पैदा होने वाली खराबियों को दूर करने की भरपूर सलाहियत रखता है। यही वजह है कि इसे निज़ाम इन्हज़ाम के लिए बेहतरीन और मुफीद दवा का नाम दिया गया है। बाज़ औक़ात भारी या नाकस गज़ा के इस्तेमाल से बड़ी आंत में वर्म आ जाता है, जिससे अखराज का निज़ाम मुतासर होता है और इसके असरात मैदे पर भी पड़ते हैं। माहरीन सेहत के मुताबिक जापानी फल के मुकाबले में कोई और चीज़ आंतों के वर्म का इतनी जल्दी इलाज नहीं कर सकती। जापानी फल पेट के कीड़े तलफ करता है और बुखार को तोड़ता है। इस फल में मौजूद लेसदार मादा जोड़ों के दर्द में बहुत मुफीद है। माहरीन सेहत इसे फेफड़ों में पानी भर जाने या इसकी झिल्लियों में वर्म, गले की सोजिश और खराश में भी मुफीद करार देते हैं। आमतौर पर ज़्यादा जिस्मानी मशक्क़त से पट्ठों में दर्द होता है और पट्ठों में तकलीफ़ दे किस्म की अकड़न महसूस होती है। इन हालात में जापानी फल का इस्तेमाल बहुत फ़ायदा देता है। कमर के दर्द में भी जापानी फल खाने से बहुत फ़ायदा होता है। परसीमन का फेस मास्क जिल्द को चमकदार बनाने के लिए बेहतरीन है। इसमें विटामिन ए और कैरोटीन की मौजूदगी जिल्द को कुदरती चमक देती है। चमकदार स्किन के लिए जापानी फल का गूदा चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट के बाद धो लें। परसीमन या जापानी फल दिल की बीमारियों में भी बहुत फ़ायदेमंद है। कुव्वत मुदाफियत में इजाफा करता है और वज़न में कमी का सबब भी बनता है। जापानी फल ना सिर्फ कब्ज़ को ख़त्म करता है बल्कि अपेंडिक्स के मर्ज़ में भी बहुत मुफीद है।